ऐसा होता है आदर्श विद्यार्थी। स्वामी, विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कहो देवी। अभी अभी संदेश मिला है कि चारों राजकुमारों का भोजन राजभवन से आने वाला है। शेष शिष्यों का भोजन मैंने तैयार कर लिया है। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। हे माता, क्या हमसे कोई भूल हुई है? भूल? नहीं तो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो पुत्र? यदि भूल नहीं हुई है तो आप हमें ऐसा दंड क्यों दे रही हैं? दंड? कैसा दंड? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी पुत्र। हे माता, गुरुदेव ने हमें पुत्रों के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि आपके विषय में हमारा भाग्य साथ नहीं दे पा रहा। नहीं नहीं, तुम मेरे भी पुत्र हो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। मान लिया है तो आप हमें शेष शिष्यों जैसा क्यों नहीं समझ रही है? हमें अपने हाथ के बने भोजन से क्यों वंचित कर रही है? हे माता, जिस भोजन को आपके हाथों ने छुआ है वो तो हमारे लिए प्रसाद है। हमें इस प्रसाद से वंचित मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। वास्तव में मुझसे बड़ी भूल हो गई पुत्र, बड़ी भूल हो गई। भरत, भरत कहाँ हो तुम? जाओ वत्स। भरत, आजा, आजा मेरे पुत्र। कैसा है तू? अच्छा एक बात बता, जैसे मैं तेरे लिए व्याकुल थी, तू भी मेरे लिए व्याकुल था ना? है ना? देख, मैं तेरे लिए विशेष भोजन बनाकर लाई हूँ। दाइमा, ये भोजन लौटा ले जाइए। क्यों? हम आश्रम का ही भोजन ग्रहण करेंगे। देखो, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो। वैसे भी ये भोजन मैं अपने भरत के लिए लाई हूँ। जो वस्तु मेरे भ्राता श्री राम के लिए नहीं है वो मेरे लिए भी व्यर्थ है। हे देव, आप अपना ये विशेष भोजन वापस ले जाइए, क्योंकि चारों राजकुमार मेरे अन्य शिष्यों के साथ यहीं का भोजन करेंगे। यह राम का निर्णय है। कैसे बड़े भाई हो तुम, स्वयं ही निर्णय ले लिया कि आश्रम का रूखा फीका भोजन ही ग्रहण करोगे? अपने छोटे भाइयों से पूछा तक नहीं? अपने भाइयों को कष्ट देने का क्या अधिकार है तुम्हें? लक्ष्मण, ये क्या अनुज, एक वृद्धा स्त्री जो हमारी माता से भी आयु में बड़ी है, पत्थर उठाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? इसने आपको अपशब्द क्यों कहे? आपके विरुद्ध कोई भी कुछ बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अनुज, जो हाथ पुस्तक और लेखनी थामते हैं उन्हें पत्थर छोबा नहीं देते। विद्यार्थी अगर पत्थर मारने लगे तो देवी सरस्वती रूठ जाएगी। आओ धाइमा मंत्रा से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं व्राता श्री का आदेश मानकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। धाइमा, हमारे कारण आपको जो भी कष्ट हुआ है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इस आयु में इतनी सहनशीलता, ये मातृभक्ति, ऐसी अनुशासन प्रियता, हे राम, तुम महान हो, तुम महान हो पुत्र। तो चलिए चलने की तैयारी। हाँ, चलिए चलिए। महाराज दशरथ, आपका स्वागत है अयोध्या नरेश। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव।
बिना सोचना दिए आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है नरेश। मैंने तो स्वयं कहा था कि आपका जब मन करे मेरे आश्रम आ सकते हैं। आज तो हम सब यहां इसलिए आए कि आपके परामर्श से चारों राजकुमारों के उपनयन संस्कार की तिथि निश्चित कर लें। आपने मुझे मेरा कर्तव्य स्मरण कराया, उसके लिए धन्यवाद। परंतु आप सभी के नेत्रों में पुत्र मिलन की लालसा स्पष्ट झलक रही है। ये सत्य है गुरुदेव, हम चारों अपने पुत्रों को देखने के लिए व्याकुल थे। जब धैर्य का बांध टूट गया तो निर्णय किया कि आश्रम चले ही जाए। कहां है हमारे पुत्र? यहीं हैं। आपके तीन पुत्र अपने बड़े भाई राम का चमत्कार देख रहे हैं। चमत्कार? हाँ चमत्कार। राम ने स्वयं को तो धनुर्विद्या में निपुण कर ही लिया है, अपने तीनों भाइयों को भी अत्यंत निपुण कर दिया है। आइए आप भी देखिए चमत्कार। अनुज, हम क्षत्रिय हैं, रक्षा करना हमारा धर्म है। अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए धनुर्विद्या और साहस दोनों की आवश्यकता होती है। हम एक के बाद एक लक्ष्य साधेंगे। वाह आज्ञा भ्राता श्री। यशस्वी भाव राम, बस अब हम एक विशेष अभ्यास करेंगे। बाण चलाओ राम। चलाओ राम। चलाओ राम। बाण चलाओ राम। बाण चलाओ राम। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं चलाऊंगा। परंतु क्यों? इस बार टहनियों के टकराने से जो ध्वनि, उससे मुझे अनुमान हुआ
के ध्वनि के पीछे आपका शरीर है। सेवा करने का मेरा संकल्प मन का मन में रह गया। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य अवश्य। देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया, वो हमारे लिए जल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों, कहाँ है वो? आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से। नहीं नहीं, नहीं! तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी वहां चला दिया और आपका पुत्र। हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहां चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे? दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं, हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र बलियों में तड़पो, पुत्र बलियों में तड़पो, पुत्र बलियों में तड़पो। अब मेरे लिए क्या आ गया है गुरुदेव? पिताश्री, धन्य हो मेरे राम, धन्य हो। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई अवसर ना आए जब मुझे तुम्हारा वियोग सहन करना पड़े। कभी मेरी दृष्टि से ओझल होना, न मेरे हृदय से।